हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टिप्स। आज हम करने वाले हैं 18 जून 2021 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए एग्जाम रिलेवेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में एक इम्प्रूवमेंट फील हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आपको बता दें कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने क्वेश्चन को। विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजिटल डिजर्टिफिकेशन ड्राफ्ट किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 17 जून को मनाया जाता है। 17 जून को ये मनाया जाता है। इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो विश्व भर में जो मरुस्थल का बढ़ावा देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं सूखा हो जाता है, तो उसको किस तरह से रोका जाए, उसके लिए जागरूकता कैसे लोगों में फैलाया जाए ताकि उसके रोकथाम हो पाए, ताकि उसमें थोड़ा थोड़ा रोकथाम उसमें किया जा सके, तो इसके लिए 17 जून को जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस इसके लिए मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रही है, तो आपको थीम को जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में थीम पूछ लिया जाता है। तो इसकी थीम रही है 2021 की थीम रही है रीस्टोरेशन लैंड रिकवरी। आप इतने कब की पॉइंट को याद रखना है, रिकवरी वी बिल्ड बैक। इतने बड़े थीम को याद रखने के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स को याद रखना होता है। वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। ठीक है, बेटर विथ हेल्दी लैंड। तो ये रहा हमारा आज के 17 जून का जो डे मनाया गया, इसका थीम रीस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर हेल्दी लैंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है थीम को। और थीम को याद रखने के लिए आपको कुछ बस कीवर्ड को याद रखना है। रीस्टोरेशन लैंड याद रख लीजिए तो इससे आप एग्जाम में इसको टिक कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डे जितने भी हैं जून के, वो एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। 1 जून को कौन सा डे मनाया गया, ग्लोबल पेरेंट्स डे। 2 जून को कौन सा डे मनाया गया, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, और उसी दिन मनाया गया तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 2 जून 2014 को तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। 3 जून को मनाया गया वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को कौन सा डे मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को कौन सा डे मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो 5 जून को मनाया गया वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, और इसकी थीम रही थी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो वहीं 7 जून को मनाया गया इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे 7 जून को मनाया गया। 8 जून को कौन सा डे मनाया गया, 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस, या फिर बोले तो वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया 8 जून को। 9 जून को कौन सा डे मनाया गया, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, विश्व प्रत्यापन दिवस। वहीं 10 जून को कौन सा डे मनाया गया, 10 जून को वर्ल्ड ग्राउंड वाटर डे। ठीक है, और 12 जून को कौन सा डे मनाया गया, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर अगेंस्ट डे, बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 13 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। 14 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है, विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 15 जून को मनाया जाता है बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का जागरूकता दिवस। 16 जून को मनाया जाता है, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। और 17 जून को हमने वही बात किया। ठीक है, तो अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वो हमने बात कर लिया। आप डेली अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, वैश्विक योग सम्मेलन 2021 को संबोधित किन्होंने किया। वैश्विक योग सम्मेलन 2021 जो हुआ है, इसको संबोधित किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इसके द्वारा इस सम्मेलन को संबोधित किया गया है। ठीक है, और ये जो सम्मेलन का आयोजन किया गया आयुष मंत्रालय के अंडर में। ठीक है, आपको इसे याद रखना है कि इस वैश्विक योग सम्मेलन को आयुष मंत्रालय के द्वारा मोक्ष यतन योग संस्थान
योग संस्थान और भारतीय 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 सांस्कृतिक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ठीक है, संबंध परिषद ने मिलकर इस वैश्विक योग सम्मेलन को आयोजित करवाया। देखिए योग का बहुत ही इंपॉर्टेंस अभी देखने को मिला है, जो अभी हम लोगों ने देखा कि महामारी कोविड महामारी के कारण बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग को ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं। तो देखिए ये जो महामारी के समय में योग का बहुत ही महत्व देखने को मिला, योग का महत्व महामारी के समय बहुत ही बढ़ गया। जो लोग योग करते हैं उसका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, उसमें मानसिक शांति रहती है, शारीरिक फिटनेस बना रहता है, तनाव में कमी होती है। महामारी में इस कारण से योग का महत्व बहुत देखने को मिला है। तो आप योग जरूर करें, ठीक है, जैसा कि आपने सुना होगा, करें योग, रहे निरोग। चलिए अगला देखते हैं कि डीप ओशियन मिशन किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा। डीप ओशियन मिशन को लागू किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। डीप ओशियन मिशन को, ये जो मिशन है दोस्तों, ये 5 वर्षीय मिशन है, 5 ईयर प्लान है, ठीक है, 5 वर्षीय मिशन है। और इस मिशन में, डीप ओशियन मिशन में कितने रुपये की लागत आएगी, तो इसमें जो है इसमें आएगी 2823.4 करोड़ रुपए की लागत कही जा रही है कि इसमें लगेगी। तो डीप ओशियन मिशन को किस लिए किया जा रहा है, तो देखिए आप ओशियन के अंदर, महासागरों के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मेटल देखने को मिलते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम मिलता है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इसका पूरे कंटिन्यूअस उपयोग करने के लिए डीप ओशियन मिशन को लागू किया जाएगा। दूसरा बात यहां पर है कि जो गहरे समुद्र होते हैं इसमें मिलते हैं निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब इस टाइप का मेटल भी मिलता है। तो इन सब को, जो आपको पेट्रोलियम मिलता है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि जो बायो रिसोर्सेज है इससे होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट होगा। इस कारण से डीप ओशियन मिशन को लागू किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। 5 वर्षीय मिशन है, 2823.4 करोड़ की लागत बताई जा रही है। चलिए अगला है कि पीएम मोदी द्वारा वीवाटेक के किस संस्करण को संबोधित किया गया। वीवाटेक जो एक इवेंट है यूरोप में होता है दोस्तों, हर साल वीवाटेक एक यूरोपियन इवेंट है, ये होता है हर साल यूरोप में, यूरोप के इस बार पेरिस में होने वाला है, और ये यूरोप का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा डिजिटल एंड स्टार्टअप इवेंट है, यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल एंड स्टार्टअप इवेंट, और इस बार इसे पेरिस में किया जाएगा, 16 से 19 जून तक ये आयोजित की जाएगी, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है, मोदी नरेंद्र मोदी है, ये वर्चुअली इसको संबोधित करेंगे। और ये इसका जो डिजिटल एंड स्टार्टअप इवेंट वीवाटेक है, इसका ये 5वां संस्करण है, ये इसका 5वां संस्करण है, यानी कि इसका शुरुआत 2016 में हुआ था, उसके बाद ये हर साल होता है, इस बार पेरिस में होने वाला है, और मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को, पीएम मोदी को यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहाँ पर स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया गया है पेरिस गवर्नमेंट के द्वारा, फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। जो यहाँ पर मोदी है, जो पीएम मोदी है, यहाँ पर भारत में विदेशी, जो जितने भी विदेशी कंपनीज हैं, इसको भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो स्पीच देंगे भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। इस इवेंट में श्री इमैनुएल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज और भी बहुत सारे यूरोप के मिनिस्टर, सांसद, एमपी इस इवेंट में भाग लेंगे, और इसको किया जाएगा पेरिस में। और इसको याद रखना है कि ये इसका 5वां संस्करण है, पीएम मोदी यहाँ पर वर्चुअली इसको एड्रेस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी 2001 सम्मेलन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा। तो देखिए ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, जो 13वां शिखर सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी, और इसके अंडर ही ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी 2021 वाला जो कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी, इसकी मेजबानी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा करी जाएगी। तो इसको आपको याद रखना है कि ये जो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी 2021 कॉन्फ्रेंस, और ये जो ब्रिक्स संस्था है, इसमें भारत, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका कंट्री क्या होते हैं, इसकी एक संस्था है। और ये जो नेटवर्क यूनिवर्सिटी 2021 कॉन्फ्रेंस वाला जो थीम रहेगा, इसका थीम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक
मोबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। और ये आईआईटी बॉम्बे इस नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस को क्या करेगा, इसको मेजबानी, इसकी मेजबानी करेगा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये रहा बात कि ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी 2021 कॉन्फ्रेंस की मेजबानी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा करी जाएगी। एडीबी जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने भारत सरकार को तमिलनाडु में, ठीक है, भारत सरकार को तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क अपग्रेड करने हेतु तो कितने ऋण देने का वादा किया है, कितने ऋण देने पर समझौता किया है, तो 484 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण भारत सरकार एडीबी से लेगी तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए। तो ऋण लेते रहिए, है ना, ऋण लेते रहिए, करते रहिए काम, देश का तो ऐसे ही कंगाल हो गया। चलिए ये सब बात हम लोग नहीं करेंगे, तो बात है कि इतने का ऋण लिया जाएगा, इतने का लोन लिया जाएगा एडीबी। एडीबी अगर बात करें तो ये जो तमिलनाडु में जो सड़क नेटवर्क अपग्रेड करने की बात करी जा रही है, तो ये चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी, ये जो है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर CKIC, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 590 किलोमीटर लंबे रोड का यहां पर क्या किया जाएगा, अपग्रेडेशन यानी कि बनाया जाएगा चेन्नई कन्याकुमारी इंडिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। और ये जो चेन्नई से कन्याकुमारी के बीच 32 जिले हैं, उसमें से 23 जिले को ये जो कॉरिडोर है कवर करेगा। और ये किस, ये जो कॉरिडोर है किस कॉरिडोर का हिस्सा है, ये कॉरिडोर है ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि ECEC का ये हिस्सा है। और ये ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, और इसके लिए जो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भारत सरकार एडीबी से 484 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण लेने वाला है। एडीबी की बात करें तो एडीबी का हेडक्वार्टर है मंडलियोंग में, ठीक है, मंडलियोंग में फिलीपींस, जो कि फिलीपींस में है। और इसका फाउंडेशन हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। अभी इसके हेड कौन है, तो मासात्सुकु असाकावा, तो ये अभी इसके हेड है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन अभी अभी किसे नियुक्त किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन सत्य नडेला को नियुक्त किया गया है। सत्य नडेला अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, जो कि इंडियन है, और इसे नियुक्त किया गया है अभी माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन, ठीक है। बिल गेट्स आप जानते ही होंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन थे, एक साल पहले इन्होंने ट्वीट कर दिया है। इन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी सामाजिक संस्था है, बहुत बड़ी सामाजिक सेवा करने वाली संस्था है, तो इस पर ये पूरी तरह से ध्यान देने के कारण क्या करेंगे, इसको ट्वीट कर रहे हैं, और ये अब सामाजिक कार्य में लगेंगे बिल गेट्स साहब। और अभी सत्य नडेला को इसका चेयरमैन घोषित किया गया है, बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर रेडमंड वाशिंगटन में, ठीक है, रेडमंड वाशिंगटन। और वाशिंगटन कहां है इसे बताना नहीं है, यूएस अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो रेव अप एक्सेलरेटर प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए, एक रेव अप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, ये तेलंगाना आर्टिफिशियल मिशन, ठीक है, तेलंगाना आर्टिफिशियल मिशन, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट और नेस्कॉम के द्वारा मिलकर इस तेलंगाना आर्टिफिशियल मिशन को क्या किया गया है, इसका लॉन्च किया गया है तेलंगाना आर्टिफिशियल मिशन को। और इसके अंतर्गत रेव ऑफ एक्सेलरेटर प्रोग्राम, ये जो रेव ऑफ एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, इसके तहत जो आर्टिफिशियल का जो स्टार्टअप है, ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए, ये एक रेवअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है और तेलंगाना आर्टिफिशियल मिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि जून 2020 में तेलंगाना फर्स्ट स्टेट बना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क को लॉन्च करने वाला, ठीक है, फर्स्ट स्टेट बना था, और अभी अभी इन्होंने रेवअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं तेलंगाना की, चलिए तेलंगाना के बारे में बात करें, तो यहाँ के जो अभी गवर्नर है तमिलसाई सौंदर राजन है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं केस राव, ठीक है। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी आपको याद रखना है और यहाँ के गवर्नर को भी याद रखना है।
प्रोजेक्ट ओटू की पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो प्रोजेक्ट ओटू की जो शुरुआत की गई है वो केंद्र सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसकी इस पहल की शुरुआत की गई है। अभी अभी देखा कि महामारी में इस कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत से लोगों की जान गई, तो ऑक्सीजन के उत्पादन में बढ़ोतरी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट ओटू की पहल की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, की गई है, तो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट ओटू का पहल की शुरुआत की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एच एनर्जी, ये एच एनर्जी एक कंपनी है भारत की जो कि नेचुरल एंड ऑयल गैस कंपनी है, ये जो है बांग्लादेश के पेट्रो बांग्ला, ठीक है, बांग्लादेश का एक गवर्नमेंट कंपनी है पेट्रो बांग्ला ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, इसके साथ एक MOU समझौता पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत एच एनर्जी पेट्रो बांग्ला को RLNG के सप्लाई करेगा यानी कि रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सप्लाई करेगा। ये जो सप्लाई होगा ये 250 किलोमीटर लंबे नेचुरल गैस पाइपलाइन जो कि बिछा हुआ है करना चत्ता वेस्ट बंगाल से लेकर श्रीरामपुर बांग्लादेश, ठीक है, श्रीरामपुर बांग्लादेश, इस पाइपलाइन नेचुरल गैस पाइपलाइन वेस्ट बंगाल से लेकर बांग्लादेश श्रीरामपुर के बांग्लादेश तक फैला हुआ है ये नेचुरल गैस पाइपलाइन 250 किलोमीटर, इसके द्वारा इस आर एल एन जी को सप्लाई किया जाएगा एच एनर्जी के द्वारा पेट्रो बांग्ला को। बात करते हैं एच एनर्जी, तो एच एनर्जी जो कंपनी है इसका जो हेड है अभी MD और CEO है ये है दर्शन हीरा नंदनी और यहाँ के जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। वहीं पेट्रो बांग्ला जो कि बांग्लादेश का एक हेड गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, इसके हेड है कौन, एडीएम अब्दुल फत्ता, ठीक है, एडीएम अब्दुल फत्ता, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका में। तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, अभी हमारे चैनल पर आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग कोर्स लाए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि यहां पर बहुत सारे कोर्सेज को लॉन्च किया जाएगा। 21 जून से हमारे चैनल पर RRB NTPC CBT 2 ग्रुप डी SSC GD और भी अन्य ऐसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आसानी से क्रैक करने के लिए आपके लिए 100 डेज का टारगेट बैच लाया जा रहा है, जिस बैच को आप जुड़ना ना भूले। इसमें आपको 20,000+ क्वेश्चन और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी फ्री। इसका PDF आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड करें, टेस्ट भी लिया जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं और 100 डेज का टारगेट बैच को ज्वाइन करके आप अपने सफलता को CBT 2 में सुनिश्चित कर सकते हैं और ग्रुप डी में। वो जो 20,000+ क्वेश्चन होगा उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन और उसके साथ जो रिलेटेड थ्योरीज होंगे उसको भी यहां पर समझाया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, GS सारे कोर्सेज को यहां पर लॉन्च किया जाएगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूले। मिलते हैं कल अगले नए सेशन में नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।